पानसेमल में बीकॉम की छात्रा को शादी का झांसा देकर कॉफी हाउस संचालक द्वारा दुष्कर्म किया गया है, जिसकी शिकायत पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के शहादा पहुंचकर कॉफी हाउस के संचालक को गिरफ्तार किया गया। पानसेमल में पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जलकोन के एक फरियादी द्वारा पुलिस थाने पर सूचना दी गई थी कि उसकी बालिका महाराष्ट्र के शहादा कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी। शहादा में कॉफी हाउस के संचालक द्वारा बालिका को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस द्वारा महाराष्ट्र के शहादा पहुंचकर कॉफी हाउस के संचालक को गिरफ्तार किया गया। संचालक पर कई धारा और पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है और आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। मामले में युवती को उस युवक द्वारा लगभग दो वर्षों से परेशान किया जा रहा था। सर, जलगोन की छात्रा का दुष्कर्म का मामला सामने आया, सर क्या है पूरा घटनाक्रम? दिनांक 26/3 को जलगोन के फरियादी ने सूचना दी कि उसकी बालिका शहादा में बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के दौरान वहीं पर पढ़ने वाले जिनेश पिता चंपालाल जैन, जो शिप एंड स्नेक कॉफी हाउस का संचालक है, उसके द्वारा उसकी बालिका के साथ शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद उसके द्वारा शादी से मना कर दिया एवं फरियादी की लड़की का ना तो दूसरी जगह रिश्ता होने दे रहा था एवं उसे बदनाम करने की धमकी दे रहा था तथा उसके वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था, जिससे प्रताड़ित होकर युवती ने थाना पानसेमल में प्रकरण दर्ज कराया था, जिस पर से जिनेश पिता चंपालाल जैन के विरुद्ध 363, 366, 376, 506 का प्रकरण दर्ज किया गया, जिसे कल शहादा उसकी कॉफी हाउस से गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर, कितने दिनों से परेशान कर रहा था छात्रा? ये विगत दो साल से युवती को परेशान कर रहा था। ना तो युवती की दूसरी जगह कोई शादी का रिश्ता होने दे रहा था, ना ही उसको इधर उधर जाने से रोकता था एवं उसको वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। पुलिस थाना प्रभारी लाखन सिंह बघेल द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला एवं उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में स्टाफ के कर्मचारियों के साथ निरंतर दर्ज प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही कर सराहनीय कार्य किया जा रहा है। क्षेत्र में कई अपराधियों को न्यायालय पेश कर जेल भेजा जा चुका है। पानसेमल से जयेश पटेल की रिपोर्ट।